जो इंसिडेंट हुआ है ट्विंकल के साथ? सलामत जी, पहली बात तो मेरे पास शब्द नहीं है कि इसमें क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ और कितना कहूँ, ये भी आपसे कहूँ कि कितना कहूँ और क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। आज स्थिति ऐसी होगी कि मेरे शब्द, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या क्या बोलूं और क्या क्या नहीं बोलूं। आप देख रहे हैं ये इतनी छोटी, 5-5 साल, 2-2 साल, ये कितने बड़े बच्चे हैं। तो मतलब ये क्या हो रहा है। आसिफा के टाइम भी वही हमने मोदी जी से कहा। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि वो सत्ता में बैठे, वो आज बीजेपी की सरकार, कोई भी सरकारें होती, लेकिन जो सत्ता में बैठता है लोग उसी को कहते हैं और वही करते हैं। आज मैं किसी और को कहूँ वो कुछ नहीं कर सकता। आज जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं, जिसकी भी सत्ता है, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट, पहली बात तो ये आसिफा के टाइम मैंने की थी, 10 दिन का अल्टीमेट दिया था मखदूम शाह बाबा पे जो हुआ था, उन्होंने 4 दिन में अरेस्टिंग हुई, बट अरेस्टिंग उसका सोल्यूशन नहीं है। अरेस्टिंग सोल्यूशन नहीं है उसका। हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें वही खड़े होके, जो मैंने पहले भी कहा था, जो गल्फ का कानून है, जब तक जहां उसको अरेस्ट किया वहीं रोड पे खड़े होके लाखों आदमी के बीच में गोली मारो। एक बार करेंगे, ये 2-2 साल, 3-3 साल, फिर मोदी जी मुझे वो कहना पड़ता है, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अजय दुबे जी देखो वहां मीरा रोड से आए हैं, आपको पता है लड़के बच्चों के लिए कितना करते हैं, तो वो ये सुन के ही आए ना, मीरा रोड यानी 2 घंटे की जर्नी है वन साइड, ठीक है। तो मतलब लोगों का विश्वास उठता जा रहा है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा है, घूम फिर के वही 0। जहां से हम चले थे वहीं पे फिर आके खड़े हो जाते हैं, और हर रोज हर सिटी में 1-2 ये चीज हो रही है। मोदी जी क्यों नहीं आप इतने बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, बेटियों के लिए आपने इतनी सुविधाएं दी हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, बट वो किस काम का शुक्रिया, हम किस पे इस्तेमाल करेंगे उसको? कुछ इस्तेमाल होने की चीज आपको नजर आ रही है? जब वो रहेंगी नहीं, आप मुझे दे रहे हैं 5,000 रुपए, जब ये रहेगी नहीं मैं किसके ऊपर खर्चा करूंगी? तो पहले उसको जिंदा रहने का तो इलाज ढूंढे, फिर 5,000 आप दें तो वो अच्छा भी लगेगा। मगर पता नहीं प्रशासन इस बात पे आके 0 हो जाता है, फास्ट ट्रैक बनती है, वो ट्रैक की जगह ट्रेन चालू हो जाती है उस पे, लेकिन फैसले वही की वही हो जाते हैं। बहुत दुख की और शर्म की बात है कि सबके घर में बेटियां हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हैं, चाहे डिपार्टमेंट में बैठे। मैं तो कहती हूँ वो शहर के लोगों को, कहाँ हुआ है, मैं भूला, कहाँ हुआ ये, अलीगढ़ वाले पुलिस वालों को कहती हूँ, उनके तो काले मुंह करके ना और रोड पे घुमा जाए। उनके घर में बेटियां नहीं है, उनके घर में बहने नहीं है, माँ नहीं है, उनके बच्चों के बच्चे नहीं है। उनको एक हफ्ते तक उन्होंने, भले उन्होंने मार दिया था, मैं मानती हूँ कि पुलिस नहीं खड़ी थी उनके सामने, नहीं मारा गया। जिस बच्ची को वो आपके पास 1 हफ्ते 5 दिन से जा रहे हैं, आपने एक FIR लिखी नहीं? लिखी आपने, उस पर कुछ कार्रवाई की नहीं की? जब कल हम कहते हैं ना, हमारी मीडिया अच्छी भी है और बुरी भी है, लेकिन जब ये चीज़ें स्प्रेड होती है ना तो बहुत खुशी होती है, जब मीडिया के लोग ये चीज़ें अवेयर करते हैं। पहले ये अवेयर नहीं होती थी तो ये ऐसे गाँव में इन लोग ये सोचते कि ये चीज़ का किसी को पता नहीं लगेगा, तो इसलिए जो मर्जी आए आप करो, मगर ऐसे पुलिस वालों को। और मोदी जी आपने अभी आते ही सबसे पहला आपने बिल पास किया था कि जो भी पुलिस वाला अगर हरकत में, किसी में गंदी हरकत में पकड़ा गया तो उसको साथ की साथ निलंबित किया जाएगा, उसको सस्पेंड नहीं, उसको नौकरी से निकाला जाएगा, और अभी उन्हें सस्पेंड किया गया। क्या है ये और क्यों है ये, कुछ तो शर्म करो भाई। पुलिस वालों की भी मैं गलती बता रही हूँ ना, मी टू के लिए अगर वो 20 साल से आई एक्टर तो उसका लिख लिया, जो लड़की की कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जो लड़की कपड़े लेके घूम रही है उसकी कंप्लेंट नहीं, क्योंकि वो छोटे घर से है। अब ये लड़की ने वो मिनी स्कर्ट पहन लिया, इसने शॉर्ट पहन लिया, बड़े कपड़े, अरे क्या ये बच्चा क्या बड़े कपड़े पहनेगा, और मैं क्यों नहीं छोटे कपड़े पहनूं? आप अपनी बहन के साथ, अपनी बच्ची के साथ करते हैं जो आप हमारी दूसरों की बच्चियों पे नजर डालते हैं?
तो जब तक इसका कानून नहीं आएगा मोदी जी, बहुत हो गया। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हो, ये क्यों नहीं एक बार ये पनिश हो जाए साथ की साथ। मैं कहती हूँ अबे ये नहीं करिए, आप गोली भी मार दो, लेकिन विद इन 30 डेज में फांसी का ऑर्डर तो कर दो। इतनी तो हम आपसे गुजारिश कर सकते हैं और आप मान सकते हैं इस बात को। आप 5 साल बाद फांसी सुनाओगे तो 30 दिन में क्यों नहीं सुना सकते? और एविडेंस चाहिए क्या? जब मैंने जगह पर मुझे पकड़ा गया है और मैं कह रही हूँ कि ये चीज मैंने की है, तो फिर एविडेंस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, है? वो छोटी बच्ची की दोनों आंखें, छोटी बच्ची की दोनों आंखें निकाल ली गई, इंटरनल पार्ट में चाकू मार दिए गए, हाथ काट दिए गए, अतड़ियां बाहर निकाल दी गई, पैर काट दिए गए। क्या है? कुछ तो होना चाहिए। इसमें मैं किसी जाति को नहीं लाना चाहती, ना मुझे हिंदू से शिकायत है ना मुझे मुस्लिम से शिकायत है। मुझे ऐसे मानसिक लोगों, जो घटिया सोच के लोग हैं ना, मुझे उनसे शिकायत है और बाकी प्रशासन से और हमारी सरकार से, कि ऐसे भ्रष्ट आदमियों को जब तक 30 डेज का तो कर दीजिए, 30 दिन में तो पुलिस चाहे तो 50 साल का मुर्दा निकाल लेती है, तो पुलिस इसकी रिपोर्ट 15 दिन में क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि हमारी पुलिस भी तो इतनी सक्षम है ना कि जहाँ काम करना है वहाँ काम नहीं करेंगे और जहाँ नहीं करना है वहाँ काम करेंगे, मन से करेंगे। लेकिन शर्म आनी चाहिए अलीगढ़ वालों, तुम्हें तुम्हारे घर में भी माँ बेटी है। आज उस अगर ये कहते कि रंजिश में मारा, उसके बाप को मारते, उसके दादा को मारते, उस 2.5 साल की बच्ची को मैं बोली चक्कू मार के मार देते। जिस तरह की इंजुरीज आपने देखा है और सुना है, तो इस जगह मुझे तो नहीं लगता कि वो सुरक्षित होगी वो लड़की। ये करने की जरूरत क्या थी? वजह क्या हुई ये करने की? बस ऐसा कुछ नहीं है, अभी रिपोर्ट आई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये इंजरी करने की उनको जरूरत क्या थी? सो प्लीज मेरी यही प्रशासन से, और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मोदी जी उनको पहले तो नौकरी से निकाला जाए, पूरा जितना भी स्टाफ था आपका अलीगढ़ का थाना जो भी पुलिस स्टेशन लगता है, और तीसरा 30 दिन का इसमें कर दो। मोदी जी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट और गुजारिश करते हैं, ये सभी माएं सभी फादर यहाँ खड़े हैं और बहुत दुखी हैं कि हम बोले तो किसको बोले, आप ही को बोलेंगे, आप नहीं सुनेंगे तो उसका मतलब नहीं रह जाएगा। और आप देख रहे हैं कि दर्द कितना होता है, आज उसके माँ बाप से पूछो। सो प्लीज मैं यही कहना चाहूंगी, काजी अंकल ये देखो सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इतने दूर दूर से, हम गर्मी में आज 3 घंटे से ये कर रहे हैं, हमारा कोई मोटिव नहीं है, लेकिन नहीं, आज वो उनके साथ हुआ है, कल यहाँ होगा, परसों यहाँ होगा, फिर तब दर्द महसूस होगा, मगर हमारे लोग भी तो ऐसे हैं, अभी तो यही सोच रहे हैं ये कौन है क्या है। अरे क्या तमाशा है, नहीं करना है तो सीधा बोलो कि ये नहीं करना है, पर मोदी जी आप कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये ऐसा मत कीजिए, ये अन्याय हो रहा है, लोग माँ बाप फांसी लगा के मरेंगे, इसमें मैं औरतों का नहीं, फादर का भी उतने ही जिगर का टुकड़ा होता है ना, मगर बच्चियाँ नहीं सेफ है। आप 5,000 डिलीवरी का पैसा देना बंद कर दीजिए, पहले लड़कियों को सुरक्षित कर दीजिए, बाद में आप अपनी जितनी भी आपको निकालने हैं आप उतने उनके फायदे निकालिए, पढ़ाई लिखाई, लेकिन उनको जिंदा रहने का तो वो दे दीजिए आप, वो आप प्रॉमिस कर दीजिए, और ऐसे लोगों को 30 डेज एंड 30 डेज। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। मैं तो कहती पुलिस वालों को अभी का अभी निलंबित, सस्पेंड कर, सस्पेंड तो किया ही है ना, निलंबित निकाल दो।